Now, bubble chart with flag. हमने क्या देखा बबल शॉट विदाउट फ्लैग में कि अगर पास जीरो पास वन पास टू पास थ्री के बाद सपोज करो पास फोर में एरे हमको ऑलरेडी एरे हमको शॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाती है हमको किसी बीच के पास में मीन्स वाइल शॉर्टिंग इन सम पास वी गेट द इनपुट इन शॉर्टेड ऑर्डर तो क्या जो रिमेनिंग पासेस बचे हैं क्या उनको हम स्टॉप कर सकते हैं आंसर है विदाउट फ्लैग नो बट विथ फ्लैग यस जैसे कि हम क्या कह रहे हैं हमने कहा हमने एक इनपुट लिया ध्यान से देखें हमने एक इनपुट लिया इनपुट है हमारा क्या 11 21 31 41 51 जीरो वन टू थ्री फोर ये हमने इनपुट लिया मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि इसको शॉर्ट करना है पास जीरो चलाया एल्गोरिथम क्या कहती है इसको कंपेयर करो इसको कंपेयर करो इसको कंपेयर करो इसको कंपेयर करो तो मैं ये लिख लेता हूं इसमें यहां पर 11 21 31 41 एंड 51 जीरो वन टू थ्री फोर देखते हैं जे मेरा कहां पर है जे मेरा ये है जे मेरा ये है पूछा क्या ए जे इज स्मॉलर देन जे इज ग्रेटर देन जे प्लस वन मीन्स क्या 11 इज ग्रेटर देन 21 नो एंड देयर फॉर सिंपली इंक्रीमेंट द जे पॉइंटर इज ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस वन नो एंड देयर फॉर सिंपली इंक्रीमेंट द जे पॉइंटर अगेन आस्क क्या ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन नो एंड देयर फॉर सिंपली इंक्रीमेंट द जे पॉइंटर और इसके बाद आप जे को आप आगे मूव करने के लिए अलाउड नहीं हो आपने देखा कि एक भी स्वैप नहीं हुआ अब कोड में आ जाइए आपने क्या किया एक फ्लैग फ्लैग का मतलब एक कोई वेरिएबल आपने ले लिया यहां पर ये स्वैप्ड नाम का एक वेरिएबल लिया और इसको इनिशियलाइज किससे कर दिया जीरो से अब देखिए ये किसके लिए था आई वाला लूप पास के लिए था और ये वाला लूप क्या था एरे में एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए था ये जे वाला वेरिएबल अब देखिए आपने क्या कहा इसने कि अगर आपका कोड आपके जब ये जे वाले आप इसमें मूव कर रहे हैं अगर स्वैपिंग हुई है तो देखिए ये क्या करेगा ये कंडीशन चेक करवा रहा है और ये स्वैपिंग का कोड लिखा हुआ है अगर स्वैपिंग हुई है ये आपने स्वैप्ड इक्वल टू जीरो कर दिया मतलब सिनेरियो ये है एक वेरिएबल है इस तरह से स्वैप्ड करके और इसमें क्या आपने भर दिया है जीरो आपने इसमें क्या भर दिया है जीरो कहता है अगर ये अगर कंडीशन ट्रू ही होगी तो इसका मतलब स्वैपिंग करने के लिए कोड में अंदर गया होगा और अंदर जाएगा तो इसी कंडीशन के अंदर ही एक क्या किया है स्वैप्ड में वन असाइन कर दिया है मतलब अगर स्वैपिंग हुई है तो यहां क्या कर देगा काट के यहां वन कर देगा मतलब स्वैपिंग हुई है और स्वैपिंग हुई है इसका मतलब क्या है कि अरे अभी जो इनपुट था जो इनपुट है वो अभी शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है स्वैपिंग हुई है इसका मतलब सो क्या कहता है और अदरवाइज जैसे ही देखो ये जे का लूप से क्रॉस निकलता है फिर से नया पास लेने जा रहा है क्योंकि देखो इसके बाद नया पास लेगा तो क्या कहता है नए पास को लेने से पहले इस इनर लूप का सबसे आखिरी स्टेटमेंट लूप के बाहर क्या लिख देते हैं इफ स्वैप्ड इक्वल टू जीरो अगर स्वैप्ड इक्वल टू जीरो इसका अगर स्वैप्ड में यहां पर वन नहीं लिखा जीरो लिखा है व्हाट इट मींस कि आपने पूरा एक पास लिया चेक किया कि क्या स्वैपिंग हो रही है स्वैपिंग नहीं हो रही थी इसका मतलब वो जब स्वैप पास चल रहा था उसी पास में जो इनपुट लिया गया था वो क्या था शॉर्टेड था और इसीलिए सीधे क्या कर जाओ ब्रेक कर जाओ ब्रेक का मतलब इस आउटर फॉर लूप से आप बाहर चले गए तो आपको आप अब यहां आप और दूसरे पास नहीं चलाएंगे तो देख लीजिए यहां पर अगर इनपुट ऑलरेडी शॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर व्हाट विल हैपन देयर विल बी नो स्वैप लेकिन आपको कंपैरिजन करने पड़ेंगे कितने
एन माइनस वन, देखिए पांच एलिमेंट थे, आपने कंपेरिजन कितने किए, एक दो तीन चार, चार कंपेरिजन किए, स्वैपिंग जीरो थी। तो इस तरीके से जो ये एल्गोरिथम है बबल शॉट विद फ्लैग, ये आपको क्या बता सकती है, इफ द इनपुट इज ऑलरेडी शॉर्टेड, तो ये आपको बता सकती है और आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या जो टाइम नीडेड होगा वो विदाउट फ्लैग से बेस्ट केस में कम हो जाए। नाउ विल स्टडी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ द एल्गोरिथम्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ द एल्गोरिथम। तो आपने क्या कहा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले लिख रहे हैं विदाउट फ्लैग, विदाउट फ्लैग। आपने देखा क्या, पास जीरो, इसमें क्या था, नंबर ऑफ कंपेरिजन्स थे और नंबर ऑफ स्वैपिंग थी। पास जीरो में आपने क्या देखा, एन माइनस वन कंपेरिजन हो रहे थे, स्वैपिंग के बारे में आप श्योर नहीं थे। पास वन में एन माइनस टू कंपेरिजन, इसके बारे में आप श्योर नहीं थे। पास टू में एन माइनस थ्री कंपेरिजन, इसके बारे में आप श्योर नहीं थे। तो इस तरीके से आप जाते हैं तो किस पास तक जाएंगे, एन माइनस टू पास तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि टोटल एन माइनस वन, वन से लेकर एन माइनस टू तक, एन माइनस टू ये हो गए और एक पास ये, तो एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस वन पासेस। और यहां पर आपको कितने कंपेरिजन की नीड पड़ेगी, वन। यहां से फिर से आप कहेंगे कि अभी आप स्वैपिंग के बारे में श्योर नहीं है, हां एक पर्टिकुलर केस में जरूर स्वैपिंग के बारे में बता देंगे। ओके, तो अगर मैं कहूं यहां से कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ टोटल कंपेरिजन्स प्लस टोटल स्वैपिंग, टोटल कंपेरिजन इसका सम आप जानते हैं, वन से लेकर के वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टिल एन माइनस वन, इसका सम होता है कितना, बिगो ऑफ एन माइनस वन एन डिवाइड बाई टू प्लस टोटल स्वैपिंग। आप देखिए यहां पर आप स्वैपिंग यहां पर नहीं अभी लिख सकते, आप यहां पर स्वैपिंग नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है कि एक पास में कितनी स्वैपिंग हो। लेकिन मैं यहां से एक बात बता देता हूं, ये जो टोटल स्वैपिंग है, टोटल स्वैपिंग इन वर्स्ट केस ये एन माइनस वन एन डिवाइड बाई टू होगी। कैसे, ये होगी एन माइनस वन, ये एन माइनस टू, ये एन माइनस थ्री और ये एन, सबको ऐड कर दीजिए आपको ये मिलेगा। कब है ये, ओनली इन वर्स्ट केस, अदरवाइज आप कुछ कह नहीं सकते। तो आप देख लीजिए, अगर वर्स्ट केस में ये इतनी है, वर्स्ट केस में ये इतनी है, इसका मतलब इसके अलावा ये हमेशा इससे कम ही होगी, इससे हमेशा ये जगह कम ही होगी। तो हम क्या करें, ऑर्डर तब भी हमारा क्या रहेगा, एन स्क्वायर रहेगा इन बेस्ट केस, इन एवरेज केस एंड इन वर्स्ट केस। तीनों केस में ये जो है सेम ही रहे। नाउ आप कह रहे हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद फ्लैग, अब हम विद फ्लैग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमने कहा विद फ्लैग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर फ्लैग लगाते हैं मीन्स विद फ्लैग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, केस बनेगा आपकी बार, बेस्ट केस क्या होगा, इफ इनपुट इज ऑलरेडी शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर इनपुट आपका ऑलरेडी शॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, मीन्स आफ्टर वन पास एल्गो विल टर्मिनेट, टोटल कंपेरिजन्स इक्वल टू
एन माइनस वन टोटल स्वैपिंग, अगर ये देख लीजिए आपका, अगर ऑलरेडी शॉर्टेड असेंडिंग में शॉर्टेड है तो स्वैपिंग की क्यों नीड पड़ेगी, ये जीरो। टी एन इक्वल टू फिर से बिग ओ ऑफ टोटल कंपेरिजन प्लस टोटल स्वैपिंग, आपने कहा एन माइनस वन प्लस जीरो, और यहां से आप क्या बोलेंगे, बिग ओ ऑफ एन या थीटा ऑफ एन या बिग ओमेगा एन इन बेस्ट केस, बेस्ट केस में ये बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे यहां कहूं कि वर्स्ट केस में कितनी होगी, वर्स्ट या एवरेज केस में, वर्स्ट या एवरेज केस में, एवरेज एंड वर्स्ट केस, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, एरे रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टेड, यही तो हो सकता है वर्स्ट केस, रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टेड, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर वो बीच में किसी पास में शॉर्ट नहीं हो जाती है जाके एरे, तो सेम केस रहेगा। और यहां पर कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल उतना ही टाइम लगेगा जितना विदाउट फ्लैग टाइम लगेगा, और विदाउट फ्लैग का टाइम मैं आपको कंप्यूट करवा चुका हूं, आप इसको बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर बोल लो, थीटा ऑफ बोल लो या बिग ओमेगा एन स्क्वायर बोल लो, तीनों के तीनों तरीके से आप बोल सकते हो एवरेज और वर्स्ट केस में। ये बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट किया गया है जैसे विदाउट फ्लैग में कंप्यूट किया गया, विदाउट फ्लैग में कंप्यूट किया गया था। नाउ हमने शॉर्टिंग के क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी विदाउट फ्लैग और ये विद फ्लैग। हम कह रहे हैं एडाप्टिबिलिटी के बारे में बताइए, एडाप्टिबिलिटी के बारे में दोनों में बताइए कि अगर जो विदाउट फ्लैग एल्गोरिथम है और जो विद फ्लैग एल्गोरिथम है, क्या इनमें से कोई एडाप्टेबल है। कहता है विदाउट फ्लैग इज नॉट एडाप्टेबल। व्हाई नॉट एडाप्टेबल, कहता है सिंस इन ऑल द केसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर, टाइम एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर नॉट एडाप्टेबल, एडाप्टेबल नहीं है। जबकि विद फ्लैग यस, why, because in best case it is big of n or theta n या big omega n, but in the worst case it is n square, अगर input already shorted है ये adapt कर रही है, time को कम कर रही है। space complexity अगर देखें तो, space complexity देखें तो आप देख लीजिए sn equal to, अगर मैं इसका main function लिखूं तो एरे का इनपुट मैं वहीं से लूंगा, जैसे कि मैंने सिलेक्शन या इंसर्शन शॉर्ट में क्या किया था, मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन ने एक एरे एन साइज की रिक्वेस्ट करी ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो उसमें उसने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद एरे का बेस एड्रेस पास कर दिया शॉर्टिंग की एल्गोरिथम में, शॉर्टिंग के फंक्शन, और उसने शॉर्ट किया। हम यहां किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, इस बबल शॉट में कितना जो है हमको क्या लग रहा है, कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें इंटरेस्टेड है। तो मैंने जैसे कि सिखाया था कि कितना स्पेस लग रहा है देखते हैं, तो हमने कहा n तो हमारा इनपुट है, प्लस n, n वो है जिसमें मेन फंक्शन ने क्या किया था, इनपुट लिया था, ये स्पेस किसका था, मेन फंक्शन का था, लेकिन हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक पैटर्न लिखने का दिखाना। इसके बाद देखिए कितना, कितनी मेमोरी सेल लग रही है, 1 2 3 4 5 6 मेमोरी सेल, इसके अलावा आप और ले रहे हो, 6 को मैं क्या बोल देता हूं, के एक कांस्टेंट बोल देता हूं, इतनी मेमोरी सेल्स आप ले रहे हो जिसमें से इसको क्या करोगे, इसको इग्नोर करोगे। क्यों इग्नोर करोगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये स्पेस किसने लिया था, मेन ने, सिलेक्शन सॉरी बबल शॉट ने तो सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है, बबल शॉट ने तो सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है। अब यहां से क्या होगा रहा है, ये इक्वल टू के, के क्या है, कांस्टेंट, तो आप बोलो थीटा वन बिगो वन या बिगो मेगा वन, आप कुछ भी बोल सकते हो। और जैसे ही आपको ये पता चलता है आप क्या कहते हो कि आपकी एल्गोरिथम कैसी है,
आपकी एल्गोरिथम इनप्लेस सॉर्टिंग, इनप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सिंस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉन्स्टेंट एंड यहां पर सेम. क्यों सेम? क्योंकि विद फ्लैग में ये स्वैप्ड और ये स्वैप्ड एक वेरिएबल बस एक्स्ट्रा हुआ और कुछ स्पेस में कोई किसी तरह का चेंज नहीं. तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये भी विद फ्लैग भी इन प्लेस. नाउ द लास्ट टर्म इज स्टेबिलिटी. लास्ट क्लासिफिकेशन और ये क्या है, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि क्या स्टेबल है एल्गोरिथम. तो आप यहां से देखें क्या कह रहा है, इफ एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन. अगर स्वैपिंग भी हो रही है, अगर स्वैपिंग भी हो रही है तो किसके बीच में हो रही है, ये मैं इस एग्जांपल ले लेता हूं. एक सपोज करो कि मैंने क्या कहा, मैंने एक इनपुट यहां पे ले लिया कुछ इस तरह से 2 5 5 2 1. सपोज करो मैंने इस तरह का ले लिया 2 हैश 2 स्टार 5 हैश 5 स्टार और इसको मुझे सॉर्ट कराना है. इवन इसको हटा देता हूं, मैंने क्या कहा 0 1 2 3, देखते हैं कैसे वर्क करेगी. आपने क्या कहा, जे आपका यहां पर है, पास आपने चलाया, पास 0 आपने चलाया. आपने पूछा क्या एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन, नो. तो क्या कहेगा, जे को यहां बढ़ा देगा. क्या एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन, नो. एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन, नो. अगर इक्वलिटी होती तो स्वैप करा देता, इक्वलिटी नहीं है तो क्या करेगा, इक्वलिटी नहीं है तो क्या करेगा, एज इट इज बड़ा रहने देगा. जे को कहां ले जाएगा, जे को यहां ले जाएगा. अब देखिए क्या होगा, क्या एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन, यस. और देयरफॉर कंटेंट चेंज होगा, यहां आएगा 2 स्टार, यहां होगा 5 स्टार. तो अब आपका इनपुट दिख कैसा रहा है, 2 हैश 5 हैश देन 2 स्टार एंड देन 5 स्टार. ये एलिमेंट अपनी करेक्ट प्लेस पे पहुंच गया. नेक्स्ट देखते हैं, आप यहां पे हो, आपने पूछा क्या एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन, नो. एंड देयरफॉर सिंपली इंक्रीमेंट द जे इंडेक्स. क्या एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन, यस. एंड देयरफॉर स्वैप, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 2 स्टार और यहां क्या पहुंच जाएगा 5 हैश पहुंच जाएगा. और आप देखो ये शॉर्ट हो चुका है और उसके आगे जे नहीं जाएगा. तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हमारा पास, हमने पास 1 चला दिया इसी में, ठीक है. तो ये एक एलिमेंट और फिक्स हो गया. अब ये कैसा दिख रहा है हमको, अब ये कैसा दिख रहा है, 2 हैश 2 स्टार 5 हैश एंड 5 स्टार. ये यहां तक हो चुका, 2 पास चल चुके. पास 3 में क्या होगा, दो पास चल चुके 0 1, पास 2 अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से, पास 2 में क्या होगा, क्या एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस वन, नो. अगर इक्वलिटी लगा दो तो ये अनस्टेबल, लेकिन अगर इक्वलिटी नहीं लगी हुई है तो क्या है, यस, विदाउट फ्लैग एंड विद फ्लैग बोथ आर स्टेबल. तो इस तरीके से अगर कोई पूछता कौन सी बेटर है विदाउट फ्लैग और विद फ्लैग में, आपने टाइम के बेसिस पे क्लियरली देखा कि विद फ्लैग बबल शॉर्ट इज बेटर देन विदाउट फ्लैग.